जय इन एवरी असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन अपने साथ बहुत सारे पर्क्स लेके आती है तो लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड नो कि क्या पर्क्स और क्या फैसिलिटीज मिलती है असिस्टेंट कमांडेंट होने के बाद तो चलिए असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है सबसे पहले तो ये जानते हैं और इसकी पोस्ट इक्वल टू कौन कौन सी और पोस्ट होती है हमारे असिस्टेंट कमांडेंट इज द टाइटल ऑफन गिविन टू द सेकेंड इन कमांड ऑफ जिसको टू आई भी कहते हैं ऑफ अ मिलिट्री यूनिफॉर्म सर्विस

सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी एंड कैप्टन इन दी इंडियन आर्मी तो आप समझ सकते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेड ए की जॉब होती है बच्चों राइट जिसके लिए आपको डिसिप्लिन और पंचुअलिटी के साथ बस लग जाना है दिस रैंक इज द हाइएस्ट एंट्री लेवल रैंक इन देंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया तो ये बात क्लियर है कि ये ऐसे ही जॉब नहीं मिलने वाली इट इज़ अ हार्ड नैक जिसके लिए आपको बहुत शिद्दत से मेहनत करनी होगी और ये एक तरह का एक लालच है जिसको आप देख सकते हैं कि भाई आप मेहनत तो करेंगे और उस मेहनत का आपको क्या फल मिलने वाला है राइट तो चलिए और देखते हैं जब आप रिक्रूट होते हैं एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर फिर धीमे धीमे आपको क्या मिलता है ऑब्वियसली प्रमोशंस मिलते हैं कुछ साल की जॉब के बाद है ना तो आप असिस्टेंट कमांडेंट से क्या बनते हैं फिर यहाँ पे डीसी डेप्यूटी कमांडेंट बनते हैं देन सेकंड इन कमांड जैसे कि टू आई सी जिसको कह सकते हैं कमांडेंट सी ओ डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डी इंस्पेक्टर जनरल एंड द हाइस्ट मोस्ट कमांड डायरेक्टर जनरल स्पेशल दैट इज डी एडिशनल यू कैन गेट मतलब ये एक फाइनल पोस्ट है जिसको आप प्रमोशन के बाद अचीव करते हैं राइट तो दिस इज़ वन ऑफ द एम्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ यू राइट तो इसको अचीव करना ही ज़रूरी है तो so चलिए एक बार एक फाइनल लुक ले लेते हैं कि भाई एग्जाम डेट क्या है इसकी एज यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ कि भाई इसकी एप्लीकेशन डेट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है लास्ट डेट बच्चों ध्यान दीजिए फोर्टीन में है उससे पहले पहले ही आपको अपना फॉर्म भर लेना है एंड इसकी एग्जाम डेट फोर्थ ऑगस्ट है जो कि बहुत समय नहीं है क्योंकि भाई अब इतने पर्क्स मिलते हैं तो थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा बनती है है ना और बहुत लोगों का ये क्या होता है एक सपना होता है कि आई शुड बी इन दैट पोस्ट सो सपने के पीछे आपको लग जाना है और इस डेट को अपने दिमाग में सेट कर लेना है उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़ोरों शोरों से होनी चाहिए बच्चों है ना उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर आप जानते हैं रिटर्न टेस्ट है फिजिकल है पर्सनल इंटरव्यू है और फाइनल आपका मेरिट लिस्ट निकलता है ठीक है फाइव हंड्रेड सिक्स पोस्ट हैं जो ऑलरेडी आपको मैंशन कर दी जा चुकी है अलग अलग पार्लामिलिट्री फोर्सेज पे लेके सो उसके बाद आप देखते हैं कि भाई जो ट्रेनिंग होती है अब हम लोग फाइनली बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट में वो कैसी होती है तो दिस इज फॉर श्योर कि ये हार्ड कोर ट्रेनिंग होती है बिकॉज दिस इज द पोस्ट ऑफ हाई लेवल तो ट्रेनिंग भी हार्ड कोर होनी है, है ना तो एक बार एक व्यू लेते हैं सबसे पहले ये जो सी ए पी एफ है ये फाइव डिविजन्स में हो जाता है दैट इज बी एस एफ सी आर पी एफ सी आई एस एफ आई डी बी पी एंड एस एस पी राइट तो ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड प्रेफरेंस मतलब जो आप प्रेफरेंस जो आप आप प्रेफरेंस प्रेफरेंस दोगे दोगे इंटरव्यू से पहले उस प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या किया जाएगा उस रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है ठीक है कट ऑफ वगैरह की ऑलरेडी डिटेल्ड व्यू आपका जा चुका है उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेकिन नेक्स्ट अब हम लोग एक बार बात करते हैं कि भाई कौन से पैरामिलिट्री फोर्स में आपको कहां ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कौन सी अकेडमी में और कितने वीक्स के लिए भेजा जाता है सीआरपीएफ दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स

You will be sent to Masuri ITBP Academy for 44 weeks and SSB सशस्त्र सीमा बल You will be sent to Srinagar Garhwal Uttarakhand कितने महीनों के लिए 24 महीनों के लिए तो ये है वो मंथ्स जितने दिन के लिए आपको ट्रेनिंग देने के लिए भेजा जाता है तो ये टैगलाइन है जिसको आप फॉलो करते, है, right? तो तो करते हैं बी अ डैगोज डायरेक्टली अपॉइंटेडिस इतनी मेहनत के बाद लाइफ तो बहुत मेहनती होनी चाहिए है ना तो उसी को ध्यान में देखते हुए लेट्स एक्स्ट्रा पर्क यू आर गेटिंग आफ्टर योर जॉब अपार्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म मतलब उस यूनिफॉर्म के अलावा आपको

उसके अलावा एज एन असिस्टेंट कमांडेंट यू विल रिसीव एडिशनल अलाउंसेस सच एस डी ए डी एन एम ए मेडिकल अलाउंस, एचआरए आर ए हाउस रेंट अलायंस एस स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, एमडी मेडिकल एक्सपेंस लास्ट बट नॉट द लीज ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलायंस अदर्स। तो ये सारे वो पर्कस हैं ये सारी वो लाइफ फैसिलिटीज हैं जो आपको दी जाती है यू आर रिक्रूटेड टू दैट पर्टिकुलर पोस्ट राइट right? तो ये इनफ है आपको मेहनत करने के लिए और आपको उस गोल तक अचीव कराने के लिए नेक्स्ट अब ये देखते हैं सैलरी भाई ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए व्हाट सैलरी इज गिवन टू दी पर्टिकुलर ऑफिसर देर देखिए शुरुआत आप कहाँ से करोगे असिस्टेंट कमांडेंट से अब ये जो सैलरी रूट शुरू हो रहा है 56,100 ये आपका एक्सक्लूसिव है तो इसके अलावा आपको जो अलाउंसेज है वो भी दिए जाएंगे एंड विथ प्रमोशन आपकी सैलरी बैड इंक्रीज होती चली जाएगी एंड दिस इज द डायरेक्टर जनरल द फाइनल सैलरी दैट दैट यू रिसीव इज इज राइट आई होप दिस इनफ फॉर योर हार्ड वर्क एंड उसके अलावा अब आप देखो कि भाई कैसे कैसे आपको प्रमोशन मिलता है जब आप रिक्रूट होते हो देन यू आर रिक्रूटेड एज अ पोस्ट हियर एज डिप्यूटी कमांडेंट उसके बाद आप पांच साल काम करते हो असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर एंड देन यू आर प्रमोटेड टू इन कमांडेंट दैट इज से And again, you will work for five years as deputy commandant with total 10 years Group A service, right? टोटल दस साल की सर्विस हो गई बच्चों कमांडेंट फाइव इन सेम करते हुए थर्टी ईयर्स ऑफ ग्रुप ए सर्विस के बाद आप इस पोस्ट में फाइनली फिक्स होते हैं आके एंड दिस इज दाइस्ट अमंग दिस पोस्ट तो अब इस पेज में हम लोग ये देखेंगे कि जो सी की रैंक होती है वो इक्वल टू वॉट रैंक्स है आपके बाकी डिफेंस फोर्स में जैसे कि आर्मी रैंक नेवी रैंक और एयरफोर्स रैंक वेन यू आर एज अ ट्रेनिंग असिस्टेंट कमांडेंट देन इट इज इक्वल टू ल्यूटेनेंट इन आर्मी रैंक Sub-Lieutenant in Navy rank and Flying Officer in Air Force rank. When training is then you are recruited as an Assistant Commandant, which is equal to Captain in Army rank, Lieutenant in Navy rank and Flight Lieutenant in Air Force rank. Then further, you are promoted to Deputy Commandant, which is equal to Major in Army, Lieutenant Commander in Navy and Squadron Leader in your Air Force. Then further, 2nd IC, that is your 2nd in Command, that is lieutenant colonel in army commander in navy and wing commander in air force rank then commandant is equivalent to colonel in army rank captain in navy and group captain in air force marshal then deputy inspector general is equals to brigadier in army commodore in navy and air commodore in air force marshal that is inspector general is equivalent to major general in army rank रियर एडमिरल इन नेवी एंड एयर वाइस मार्शल इन एयरफोर्स रैंक देन यू आर फर्दर प्रमोटेड टू ए डी जी दैट इज एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन आर्मी एंड एयर मार्शल इन एयरफोर्स एंड फाइनली यू रीच दाई मोस्ट दैट इज योर डायरेक्टर जनरल स्केल इज इक्वल टू लेफ्टिनेट जनरल इन आर्मी वाइस एडमिरल इन नेवी एंड एयर मार्शल इन योर एयरफोर्स रैंक तो ये है वो हाई पोस्ट जिसके लिए आप रश कर रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर फोर्स के क्या क्या जॉब प्रोफाइल होने वाली है तो लेट इस डिस्कस वन बाय अब जब आप सीआरपीएफ चूज करते हो तो दैट इन दैट केस असिस्टेंट कमांडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग राइट मतलब जो दंगे वगैरह होते हैं ठीक है क्राउड कंट्रोल ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स नेगोसिएशन विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वी आई पीज जो वी आई पीज वगैरह होते हैं उनके प्रोटेक्शन और क्रिटिकल इंस्टॉलेशन एंड कॉम्बैटिंग अग्रेशन इन टाइम्स ऑफ वॉर मतलब एक मेजर सेक्शन आप सी को दे रहे होते हैं जहाँ पे जितना भी अग्रेशन है जितना भी इंटरनल अग्रेशन व्यू होता है वो सारा सी हैंडल करती है ठीक है उसके बाद सी सी आई एस एफ इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल साइट्स अक्रॉस इंडिया तो जितनी भी यहाँ पे कंपनीज और वेरियस साइट्स होती है उनकी प्रोटेक्शन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है सी आई एस एफ का नेक्स्ट आई टी बी पी इट इज द जॉब ऑफ आई टी बी पी टू कीप द इंडो चाइना बॉर्डर अब क्योंकि ये

puts a stop in smuggling prohibits unauthorized people from entering or exiting indian territory and puts an end to any other transactional crimes last but not the least is your ssb monitors the borders between india and nepal and bhutan and enforces any illegal activity or rokti hai kisi illegal activity ko तो ये था वो जॉब प्रोफाइल जो प्रैक्टिस करते हैं वेरियस फोर्सेस उसके अलावा भाई आपको पता है कि इतनी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए मेहनत भी हाई प्रोफाइल होनी चाहिए उसी के लिए लॉन्च करता है मेजर कल्ची क्लासेस सीएपीएफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जहां पर आपको रिटर्न स्पोकन एस एस बी स्टडी मटीरियल और डाउट काउंटर्स एस एस बी मीन्स इंटरव्यू यहां पर इंटरव्यू होल्ड किया जाएगा हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल करना है नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल थ्री डबल जीरो डबल थ्री में So we are ready. You be enrolled with our online and offline batches. Jai Hind.